Hello friends, welcome again. Now in this video, we will learn about the fractional part function. The fractional part function is not asked in your boards. But this fractional part function is a very, very important function for IITs. So listen it carefully, understand it, and if you feel any problem, comment me in the comment box. Let's start with the fractional part function. Suggest fractional part function मतलब आप जो भी number put कर रहे हैं उसका answer क्या आएगा fractional part आएगा उसको कहते हैं fractional part function मैं आपको clear करता हूँ जैसे मेरा function है y is equals to fx is equals to this denotes fractional part function और fractional part को हम और solve करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस बॉक्स ऑफ x अब आप सोचिए बॉक्स ऑफ x क्या देता है एक तरह से हम सोचें तो बॉक्स ऑफ x हमेशा इंटीग्रल पार्ट देता है अब मैंने कोई भी नंबर x यहां पुट किया और उसको पुट करके उसमें से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दिया तो कौन सा पार्ट बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट इसलिए इस फंक्शन का नाम क्या रखा हुआ है हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे हम एग्जांपल लेते हैं देखिए सपोज मैंने लिया y equals to f of 2.3 आप सोचिए 2.3 अगर मैंने पुट किया तो क्या आएगा 2.3 minus box of 2.3 अब आप सोचिए 2.3 का box कितना होता है मैंने बताया 2 होता है मतलब आंसर में क्या बच गया 0.3 I started with 2.3 और आंसर में केवल बचा 2.3 मतलब 0.3 तो ये क्या बचा fractional part बचा इसलिए हम इसको क्या कहते हैं fractional part function और लीजिए example कोई भी आप 3.9 -3.9 पहले पॉजिटिव 3.9 लेते हैं देखिए फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 3.9 3.9 माइनस बॉक्स ऑफ 3.9 3.9 का बॉक्स क्या होता है 3 होता है क्या बच गया 0.9 बच गया फिर से देखिए फ्रैक्शनल पार्ट बच गया और ले हम एग्जांपल नेगेटिव में लेते चलिए 1.9 लिया मैंने नेगेटिव 1.9 तो नेगेटिव 1.9 माइनस बॉक्स ऑफ नेगेटिव 1.9 अब आपको दिख रहा होगा 1.9 का बॉक्स क्या होता है माइनस 2 होता है तो नेगेटिव 1.9 प्लस 2 आंसर क्या बच गया प्लस का 0.1 नेगेटिव क्वांटिटी में फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव क्यों बचेगा क्योंकि हम उसको उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या करेंगे माइनस करेंगे और अगर हम एग्जांपल लें -3.6 तो 3. That is fractional part of 3.6. That is 3.6 negative. Negative 3.6 minus box of negative 3.6. Negative 3.6 minus box of negative 3.6 is minus 4. So negative 3.6 plus 4 is 0.4. This is called what? Fractional part function. Let's make its graph. आप 0 पुट करेंगे 0 ही आएगा 0.1 पुट करेंगे तो भी 0 ही आएगा फ्रैक्शनल पार्ट तो कितना आएगा और 0.1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0.1 आएगा 0.2 पुट करेंगे तो 0.2 फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 ही है 0.3 0.4 जो भी पुट करेंगे आता जाएगा जैसे ही आप 1 पुट करेंगे फिर से 0 आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस बॉक्स ऑफ 1 बॉक्स ऑफ 1 1 होता है 1 माइनस 1 फिर से 0 अब आप 1.1 डालिए अब अगर आपने 1.1 डाला तो 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कौन है फिर से 0.1 है 1.2 डालिए 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कौन है 0.2 है 1.3 डालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट कौन है 0.3 है 1.99 डालिए फ्रैक्शनल पार्ट कौन है 1.99 है मतलब पर जैसे ही 2 डालेंगे 2 डालते ही ये फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस बॉक्स ऑफ 2 इज 0 सिमिलरली 2.1 2.2 2.3 सब पे इसी तरह चलता जाएगा ये हमारा कौन सा फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नेगेटिव में भी इसी तरह मूव करेगा आप डालिए फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया नेगेटिव 0.9 बॉक्स दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव 0.9 दैट इज नेगेटिव 0.9 माइनस बॉक्स ऑफ नेगेटिव 0.9
नेगेटिव 0.9 माइनस माइनस 1 पॉजिटिव का 0.1 बचेगा, जो मैंने आपको समझाया था सारी नेगेटिव क्वांटिटीज में भी पॉजिटिव वैल्यूज ही बच रही हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें नेगेटिव 2 पे तो भी वो इसी तरह चलेगा, नेगेटिव 3 पे भी इसी तरह चलेगा। मतलब अगर मैं इसके डोमेन की चर्चा करूं, इफ वी टॉक अबाउट डोमेन, तो डोमेन इसका है ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर हम पुट कर पा रहे हैं। बट अगर हम इसकी रेंज की चर्चा करें, इसका आंसर की बात करें, तो इसका आंसर केवल 0 से 1 तक आता है और 1 भी इंक्लूड नहीं होता है, कभी भी 1 आंसर में नहीं आ रहा है। 1 के ठीक पहले फंक्शन फिर से 0 हो जा रहा है, तो ये 0 से 1 तक होता है। यहां एक बात ध्यान देने लायक है, इट इज द ओनली एलजेब्रिक पीरियडिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, इट इज द ओनली एलजेब्रिक फंक्शन विच इज पीरियडिक। ये दुनिया का अकेला एलजेब्रिक फंक्शन है जो पीरियडिक है। पीरियडिक क्या मतलब क्या है, जो कि अपने ग्राफ को बार बार रिपीट करता है। देखिए इसके पहले हमने बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाया, वो सेम ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा था, उसमें ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था, इसमें ग्राफ सेम ही ग्राफ बार बार में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं इट इज द ओनली एलजेब्रिक फंक्शन विच इज पीरियडिक फंक्शन हूज पीरियड इज 1। ये 1 पीरियड में अपने आप को दोहरा रहा है, तो ये ऐसा पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 है, और ये दुनिया का अकेला एलजेब्रिक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड, जिसका जो पीरियडिक है, बेसिकली एलजेब्रिक फंक्शन पीरियडिक नहीं होते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कंबाइन होके कंपोजिट फंक्शन बना के पीरियडिक होते हैं, बट यहां केवल इस केस में ये एक पीरियडिक फंक्शन है। सो दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे आईआईटी एग्जाम में हर ईयर एक प्रॉब्लम आती ही है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं श्योरली उनका आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।